पैसे हमारे डूब सकते हैं। तो ये जो अलाउंस होता है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है और रिसीवेबल भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अलाउंस जो क्लोजिंग अलाउंस एसओएफपी के फेस पर आता है वो हमेशा क्लोजिंग अलाउंस होता है। और फिर अभी हमने सीखा कि अलाउंस हमारे पास दो किस्म का होता है, एक जनरल अलाउंस और एक स्पेसिफिक अलाउंस। इसका मतलब यह हुआ कि पहले हम स्पेसिफिक अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं वर्किंग बनाऊं और टोटल क्लोजिंग अलाउंस देखूं कि मेरा टोटल क्लोजिंग अलाउंस कितना बनता है, टोटल क्लोजिंग, तो मैं पहले देखूंगा मेरा स्पेसिफिक कितना है। बोले जी स्पेसिफिक कितना था हमारा 36,000 और हमारा जनरल अलाउंस कितना है 51,500। तो टोटल कितना हो गया, टोटल अलाउंस जो हमारे पास कितना हो गया 87,500। एक हमारे पास था 36,000, दूसरा था 51,500, तो ये हो गया 87,500। ये हमारे पास हो गया क्लोजिंग अलाउंस और हम इसको क्या शो करेंगे अलामती तौर पे, इसको हम एसओएफपी पे शो करेंगे। अब ये जो हमने सारा कुछ सीखा इसकी मदद से अब हमने ये सीखना है कि ये टी अकाउंट्स में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं और पीएनएल में और एसओएफपी में कैसे आते हैं। अब हमने ये चीजें देखी। सबसे पहले जब हमने ये रिसीवेबल की लिस्ट बनाई तो हमारे पास टोटल रिसीवेबल्स कितने थे जरा बताएं। जी बोले, हमारे पास टोटल रिसीवेबल आ रहे थे 1180 जो हमने लिखे हुए थे। टोटल रिसीवेबल्स कितने लिखे हुए थे हमने, टोटल रिसीवेबल लिखे थे 1180000। इसमें से फिर बैड डेट्स कितने हुए, हमने इसमें से बैड डेट्स किए 50,000। तो हमारे पास रिसीवेबल कितने रह गए, हमारे पास रिसीवेबल कितने रह गए 1130000। ये हमारे रिसीवेबल रह गए। तो वो जो बैड डेट्स है उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो हमने बैड डेट्स की एंट्री पहले पास कर ली थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस बन जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और ये बैड डेट्स हमारे डेबिट हो जाएंगे 50,000 से। अब हमने सीखना है कि हमने अलाउंस को कैसे अकाउंट फॉर करना है। तो जरा देखें अलाउंस हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, अलाउंस हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, कौन कौन से, स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस। बताइए जी जरा स्पेसिफिक अलाउंस हमारे पास कितना है और जनरल अलाउंस का, दोनों का टोटल बताएं। स्पेसिफिक अलाउंस है 87,500 और जनरल अलाउंस कितना आ रहा है हमारे पास, सही दोनों मिला के ओके। तो ये टोटल हमारे पास क्लोजिंग अलाउंस आ रहा है 87,500। अब आपने एक बात नोट करनी है और याद भी रखनी है, बी और सी पर हमने जो अलाउंस लिया था वो कितना लिया था 12,000। बी से हमने टोटल पैसे कितने लेने थे 40,000 और इस पर अलाउंस कितना लिया हमने 12,000। इसका मतलब है 12,000 डाउटफुल थे लेकिन गुड डेट्स कितने थे, इस पे बी से हमने टोटल लेने थे 40, 12 डाउटफुल है 12,000 जिस पर हमने, तो गुड डेट्स कितने इसके 28,000 और अगर हम सी की बात करें तो सी पर अलाउंस लिया 24,000 तो इसके गुड डेट्स कितने हुए 36,000। अब एक बात हमेशा याद रखनी है जनरल अलाउंस के लिए कि जिन कस्टमर्स पर आप स्पेसिफिक अलाउंस लेते हैं उनको जनरल अलाउंस में कंसीडर नहीं करते क्योंकि आप उस पर पहले से अलाउंस ले चुके हैं। आपने बी और सी पर अलाउंस ले लिया था ना, तो जब हम जनरल अलाउंस लिया था हमने किस पर अप्लाई किया था, अदर कस्टमर्स पर, किस पर अप्लाई किया था। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि पहले वो उन पर स्पेसिफिक अलाउंस ले लेते हैं और फिर जनरल अलाउंस भी ले लेते हैं। व्हेन यू आर श्योर कि इस बी और सी के शायद इतने पैसे ना मिले, इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अलाउंस ऑन दीज टू कस्टमर। व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट जनरल अलाउंस,
वो लोग जिन पर स्पेसिफिक अलाउंस आप एक दफा कैलकुलेट कर चुके हो उनके बैलेंसेस को जनरल अलाउंस में इस्तेमाल नहीं करना, उन पर दोबारा अलाउंस नहीं लेना, क्योंकि उन पर जो आइडियल अलाउंस बनता था वो आप ले चुके हैं। आपके पास जो रिमेनिंग कस्टमर्स होंगे उन पर आपने दोबारा अलाउंस नहीं लेना। ये पेपर में आपने देखना, या मैंने सेपरेट करके लिखा, आपको समझ आ गया, पेपर में भी आपने सेपरेट कर देना है। वो कस्टमर जिन पर आप स्पेसिफिक अलाउंस ले चुके होंगे तो जब जनरल अलाउंस लेंगे तो उनको रिसीवेबल से माइनस करना है, उनको इंक्लूड नहीं करना। देखिए जरा इधर, हमारे पास टोटल रिसीवेबल्स है 11,80,000, 50,000 बैड डेट्स हो गए। फिर हमारे पास 100,000 वो थे जिन पर हमने क्या लिया, जिन पर हमने लिया स्पेसिफिक अलाउंस। तो जब मैंने जनरल अलाउंस लिया तो वो कस्टमर जिन पर मैंने स्पेसिफिक अलाउंस लिया था उनको मैंने जनरल अलाउंस पे ट्रीट नहीं किया। ये हमेशा याद रखना है कि जब आप एक दफा अलाउंस ले चुके हैं जिन लोगों पर स्पेसिफिकली, तो जनरल अलाउंस कैलकुलेट करते हुए उनको दोबारा कंसीडर नहीं करना। ले जी, अब हम बनाते हैं अपना पीएनएल का एक्सपेंस और अपना बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की प्रेजेंटेशन जो हमारे पास रिसीवेबल गिवन थे। ले जी जरा बताएं, हमारे पास स्टार्टिंग रिसीवेबल थे 11,80,000, लेकिन इसमें से 50,000 बैड डेट हो गए। जो बैड डेट हो गए वो तो खत्म हो गए, इसका मतलब है हमारे पास रिसीवेबल जो बचे हुए वो कितने बचे हुए, 11,80,000। हमारे पास रिसीवेबल जो बचे हुए थे वो 11,30,000, जो बैड डेट्स हो जाते हैं उनको हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं और रिसीवेबल से माइनस कर देते हैं। और अब हमारे पास रिसीवेबल बच गए 11,30,000, और आपने क्लोजिंग अलाउंस कितना कैलकुलेट किया है, 87,500। आपने कैलकुलेट किया 87,500 क्लोजिंग अलाउंस। तो जरा बताएं जी, एसओएफपी की फेस पर नेट रिसीवेबल पेपर में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ग्रॉस रिसीवेबल बताओ या नेट रिसीवेबल।